शासकीय रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और अन्य कीमती सामान चोरी करता था। पूछताछ के बाद रेल पुलिस ने इससे बड़ी मात्रा में यात्रियों के ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। शासकीय रेल पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो अपनी उम्र का फायदा उठाकर रनिंग ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर देता था। आरोपी की निशानदेही पर रेल पुलिस ने दर्जनों ट्रॉली बैग, जेवर, घड़ियां, कपड़े मिलाकर हजारों रुपए का सामान बरामद किया है। रेल पुलिस थाना जबलपुर के थाना प्रभारी बलराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर चोर का नाम राम कुमार राय है, जो जबलपुर के ब्योहार बाग इलाके में निवास कर रहा है। राम कुमार मूलतः सिवनी जिले के धूमा का रहने वाला है। आरोपी यात्रियों के सो जाने के बाद अपनी उम्र का फायदा उठाकर उनके सामान को चोरी कर लेता था और चोरी का सामान घर में छिपाकर रखता था। पुलिस ने इसे न्यायालय में पेश कर दिया है, जिससे पूछताछ पर ट्रेनों में एसी कोच में ट्रॉली बैग, पिट्ठू बैग चोरी करना कबूल किया था। घटना का अंजाम देने का तरीका यह है कि ट्रेनों में जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है या बैग छोड़ के कहीं लेट बात चले गया है, तो ऐसे जो सामान जिसका मालिक वहां होता नहीं था पास में, उन सामानों की को उठा के और लेके और ऐसे अंदाज में निकलता था जैसे उसी का सामान हो। रेल पुलिस का कहना है कि इससे बरामद किए गए बैग और अन्य सामानों के वारसानों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।